अर्थप्रकाश टीवी में दर्शकों का स्वागत है और आज हम मिलते हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा से जो चीफ रिपोर्टर अर्थप्रकाश के हैं और साथ में ही प्रेसिडेंट हैं ट्राई सिटी प्रेस क्लब के। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखिए मैं सबसे पहले अपना मत का दान करके आया हूँ और मैं सबसे अपील करता हूँ ट्राई सिटी प्रेस क्लब के जो भी रिपोर्टर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं कि अपना मतदान जरूर अवश्य करें। मीडिया के अलावा अपने तमाम जो श्री परशुराम इंटरनेशनल का मैं महासचिव भी हूँ, प्रभारी हूँ हिमाचल और हरियाणा, और आज चूँकि आज हिमाचल में भी इलेक्शन हो रहा है और हिमाचल की इकाई को और पंजाब की इकाई को अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि अर्थप्रकाश ने मुहिम छेड़ी थी कि मतदान को हम कैसे आगे बढ़ाए जाए। आज मुझे खुशी है कि वो मुहिम काफ़ी हद तक कामयाब हो रही है। मैं द्वार से फिर अपील कर रहा हूँ अपने पंजाब और हिमाचल के जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ से लोग जो घरों में बैठे हैं वो जल्दी जल्दी बाहर आए और अपने मत का प्रयोग करें। प्यारे बहनों अर्थप्रकाश देखो तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। जैसे आपको पता है कि चुनाव का आज लास्ट चरण चल रहा है और लास्ट चरण में आज पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं, हिमाचल के इलेक्शन हो रहे हैं और आज हम खड़े हैं लोकसभा क्षेत्र पटियाला के अंदर और आप देख सकते हो कि लोहगढ़ जो एरिया सबसे सेंसिटिव एरिया माना गया है, पिछले इलेक्शनों में भी यहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ हुई थी लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर भी काफ़ी हद तक शांति है। और यहाँ से जो श्रोमणी अकाली दल के पहले MLA थे श्री NK शर्मा जी को श्रोमणी अकाली दल ने MP की टिकट दी है और इसके साथ जो आपके कैंडिडेट हैं वो हैं डॉक्टर गांधी और महारानी प्रदीप कौर जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी से खड़े थे आज वो BJP से खड़े हैं। यानी जो उम्मीदवार हैं उनकी शक्लें बदल गई हैं। तो आप हम बात करेंगे हमारे बीच में श्रोमणी अकाली दल के बूथ में आए हैं, यहाँ से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा गुरमीत सिंह जी। कैसा बहुत मैं कह रहा जी देखो वोटिंग शुरू होने की तो लोगों ने इन्ना प्यार उत्साह आ वोटिंग लिए सवेरे 6 बजे आके लाइन च लग गए हूँ तक तकरीबन अजे 10 बजे होने आपने यहाँ पे बूथ 8, 9, 10, 11, 12 का यहाँ पर सेंटर बना लोहगढ़ का सबसे सेंसिटिव सेंटर था। पिछले बार इलेक्शन में भी हुआ था आप ये मैं भी यहाँ पर था तो इस बार ऐसा बहुत शांति से इस बार पूरा शांति तो आप ये शर्मा जी जैसे पहले भी ऐसा बनते हैं बीजेपी का गठबंधन नहीं है तो आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप इधर कैमरा घुमाओ उधर बीजेपी का बूथ है बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई भी वर्कर नहीं है, कोई भी उनका कोई एजेंट नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है बूथ, खाली झंडिया लगी हुई है। तो आप ये बताइए कि ये शर्मा जी की जो व्यक्तिगत वोट ज्यादा है पार्टी ज्यादा, क्योंकि शर्मा जी की व्यक्तिगत वोट भी इस एरिया में काफी है ना? देखो इनका 1998 से ये सरपंच है, उसके बाद MLA बनते आ रहे हैं तो इनका रसूख अपना बहुत है। दूसरा पार्टी अकाली दल ने बहुत काम करी है पंजाब में तो उनको काम को देखते हुए लोगों को काम चाहिए, बातें नहीं, जो बातें करने वाले लीडर। अच्छा एक बात पूछूंगा, जैसे पिछली बार MLA का एरिया क्षेत्र कम होता है, अब विधानसभा का बहुत बड़ा एरिया क्षेत्र है तो उसमें मैनेजमेंट उस तरह जैसे यहाँ पर हो रही है तो क्या बाकी लोग जो विधानसभा वहाँ भी एक सोच आ रहा है कि जीरकपुर भी आ रहा है? जीरकपुर कल मैं वहाँ पे शंभू में था, शंभू में भी अच्छा रिस्पॉन्स है, राजपुरी में था, राजपुरी में अच्छा रिस्पॉन्स है। आप जाते रहते हो साथ? बिल्कुल सारा हमने अपना जांचला ब्लू सब में अच्छा रिस्पॉन्स है। जब रात हमने सबकी ड्यूटियाँ लगाई तो सब ने बोला भी आप टेंशन मत लो हम हैं। तो देखिए लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इन्होंने कहा कि लोग शर्मा जी इलेक्शन ही लड़ रहे हैं, लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, NK शर्मा बनकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल ये सभी कह रहे हैं कि हम NK शर्मा बैठे हैं। नमस्कार जी अंकल जी, आप वोट डाला है अपना? डाला है जी। दिखाइए निशानी लो जी। तो आपने ये कितनी बार अब तक वोट डाला है? कितनी बार? आज हर 5 साल बाद वोट डालते हैं, आप कितने वोट डाल चुके हो गया अंदाजे से? ठीक है, तो अभी बताइए कि आज आपको वोट डाल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? हम संदेश देना चाहेंगे जी वोट जरूर डालें अपना और जो है जिसने विकास किया उसको वोट डालो जी। अभी आपके एरिया में क्या रुझान लग रहा है आपको?
थैंक यू जी। सर एक मेन जो सेंटर से काम कराना है ये हमारे फाटक पड़ता है, इसमें से कम 40-45 कॉलोनियां हैं जो रोज़ इतने परेशान होती है, यहाँ से 40-50 ट्रेनें रोज आती हैं और पब्लिक इतनी परेशान रहती है, एक मिनट बाद दो मिनट बाद फाटक बंद हो जाता है और उसमें स्कूल में जाने वाले बच्चे भी हैं, ड्यूटी पे जाने वाले भी हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो मरीज़ हैं उनके लिए इतने यहाँ रुकना पड़ता है फाटक पे, बहुत परेशानी है। सेंटर गवर्नमेंट से यही है भी ये पुल जो बने जैसे सेंटर, यही सबसे मेन मुद्दा है जी यहाँ का फाटक का, वो जरूर हो। थैंक यू। आप वोटरों को क्या कहना चाहोगे? मैं रिक्वेस्ट करांगा लोगों को वध तो वध वोट भुगते, 80-85% वोट भुगतनी चाहिए है, वध तो वध वोटा पाओ तो जरूर पा के जाओ। थैंक यू सर। तो हम यहाँ पर खड़े, आपने देखा होगा जीरो लेवल रिपोर्ट है, ये स्कूल है सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल लोहगढ़ के अंदर, पटियाला लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर जो वोट डाल के हम उसकी बात करें। मटका की क्या नाम है जी आपका? कन्हैयालाल जी, वोटिंग का जो सिस्टम ठीक लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं सरकार के अरेंजमेंटों से? तो क्या लगता है कितने फ्रेंड तक वोटिंग हो जाएगी यहाँ पर? शाम को आइए लगेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी आइए। क्या नाम? ये बच्चे वोट डाल के आए सबके? आज वोट डाल के ड्यूटी भी हमारी। अच्छा ठीक है, इलेक्शन की ड्यूटी। 35% प्लस वोट यहाँ पर हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। आप जो घरों में हैं लोग, तो आप भी अपने दोस्तों को मित्रों को कहना चाहोगे? देखिए ये अपने दोस्तों मित्रों को भी कहना चाहेंगे कि वोट डाली जा से डालना चाहिए, सबको डालना चाहिए, जरूर डालना चाहिए। नमस्कार, सत श्रीकाल जी। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? अमृत कौर। कैसे लगा वोट डालकर यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगा। वोटिंग परसेंटेज ठीक लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी ठीक है। तो आप क्या, हाँ जी क्या नाम है? सुखजीत सिंह। आप कहाँ रहते हो? यहीं लोहगढ़ में। जब वोट डाल काट कर रहे हैं? हाँ जी काट। अच्छा, आपने दोनों ने वोट डाल दी, अब हमने अपना काम कर दिया, अब जो हमारा देश के प्रति काम है आगे अपील करना कि आपकी हमने वोट डाली, आगे आप लोग और भी वोट डालें, उनका आप क्या कहना चाहोगे? हमने वोट डाल दी है, लेकिन जो लोग घर में बैठे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाली उनको वोट जरूर डालनी चाहिए ताकि देश का भविष्य बन सके। अच्छा आंटी, आप भी बोलो। घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए ताकि हम अपनी मजबूत सरकार बना सके। धन्यवाद जी।